वहीं आप सभी को बता दूं कि खबर किशनगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने नेशनल हाईवे के ऊपर आज प्रदर्शन किया है। आखिरकार ये प्रदर्शन किस मांग को लेकर के किया गया है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। किशनगढ़ के बांदरसिंदरी चौराहे पर सड़क दुर्घटना में छात्रा की मौत के बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी के छात्रों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंप करके बांदरसिंदरी चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग की है। साथ ही छात्रों ने चौराहे के दोनों तरफ बैरिकेड लगाने, चौराहों का सांकेतिक बोर्ड व रोड ब्रेकर बनाकर के दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग करी है। जानकारी के अनुसार बात करें तो बांदरसिंदरी चौराहे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे अनेकों व्यक्तियों की दुर्घटना से मौत हो चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी के आक्रोशित छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करते हुए बांदरसिंदरी चौराहे पर पहुंचे और रोड जाम करने का प्रयास किया है, जिस पर मौजूद पुलिस थाना बांदरसिंदरी थाना अधिकारी मंजू मुलेवा व जीवीके टोल के कर्मचारियों ने छात्रों को समझाइश कर रोड जाम करने से रोका, जिस पर छात्रों ने आक्रोश जताते हुए चौराहे के पास ही बनी सर्विस लाइन में बैठ करके विरोध प्रदर्शन किया है। मौके पर पहुंचे किशनगढ़ तहसीलदार मोहन सिंह राजावत व किशनगढ़ ग्रामीण डिप्टी गोपाल सिंह भाटी को उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन देकर के प्रदर्शन समाप्त किया है। वहीं प्रदर्शन में केंद्रीय विश्वविद्यालय के विकास पाठक सत्यम राय, सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार, आयुष मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। अभी इंस्टेंट में हमारी तीन मांगे हैं, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था कराई जाए, जिससे किसी अन्य छात्र या ग्रामीण जो यहाँ के हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि यहाँ 25 से ज़्यादा गांव हैं, किसी अन्य ग्रामीण का डेथ ना हो, किसी की जान माल की क्षति ना हो। दूसरा, जैसे अभी बैरिकेडिंग की गई है, परमानेंट बैरिकेडिंग की जाए। तीसरा, जो सबसे बड़ी मांग है कि आप यहाँ से देखिए, जब मैं क्रॉस करता हूँ, मैं प्रशासन वालों से बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे साथ कार या मोटरसाइकिल में बैठ के चलिए, कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि वहाँ पे दुर्घटना होगी। वहाँ पे आप जाएंगे, आपको कार या मोटरसाइकिल रखने भर का स्पेस नहीं उपलब्ध है। मैं बोल रहा हूँ कि वो स्पेस आप उपलब्ध कराइए। हमारे सभी छात्र इसी मांग के लिए आए हैं। ये तीन मांगों को हम लोग लिखित में आश्वासन चाहते हैं कि ये परमानेंटली सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन न तो हमें कोई आश्वासन मिल रहा है, न ही मुझे SDM से और हमारे पूरे छात्र जन समूह को बात करने दिया जा रहा है। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस हमारी मांग को स्थानीय प्रशासन तक, यहाँ की सरकार तक, यहाँ के रोड एंड ट्रांसपोर्ट से जो भी जुड़े पदाधिकारी हैं, उन तक पहुँचे। और हमारा एकमात्र सपना है, एकमात्र मांग है कि जिस तरह से आज हमारी भगनी का डेथ हुआ है, उस तरह से आने वाले भविष्य में वो विश्वविद्यालय का छात्र हो, कर्मचारी हो, स्टाफ हो, सिक्योरिटी स्टाफ हो, कैंटीन में काम करने वाला गांव का व्यक्ति हो, हमारे विश्वविद्यालय से घास काट करके ले जा करके जीविका उपार्जन करने वाला एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति, किसी को भी कोई दुर्घटना दोबारा न देखना पड़े, यही हमारी एकमात्र मांग है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।